सोमवार को जिला मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना था कि 2015 की गणेश प्रतिमा विसर्जन की मांग कर रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर हुए बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज के विरोध में 5 अक्टूबर 2015 में निकली अन्य प्रतिकार यात्रा में नामजद 82 लोगों में से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को छोड़कर अन्य 81 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। वहीं अजय राय को बरी न किए जाने के कारण पदाधिकारियों ने महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए बरी किए जाने की मांग की। 2015 में बनारस में गणेश प्रतिमा विसर्जन पर वहाँ के प्रशासन ने लाठी चार्ज किया था और वहाँ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ साथ 82 लोगों को नामजद मुकदमा कायम किया था। उस मुकदमा कायम होने के बाद अभी उत्तर प्रदेश शासन ने उस 82 लोगों में से 81 लोगों को तो मुकदमे से बरी करवा दिया है, लेकिन एकमात्र अजय राय जी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं उनको अभी मुलजिम रहने दिया है। ये कितना गंभीर विषय है, सोचने की विषय है कि केवल कांग्रेसी होने के वजह से उन्हें दोषी ठहराया जा रहा है, बाकी सभी लोगों को बरी कर दिया गया है। इस अन्यायपूर्ण कार्रवाई के विरोध में हमने आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया है और मांग की है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी को भी उस मुकदमे से बरी किया जाए।